हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं आया हुआ था अपने फुआ के यहाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ कहीं घूम फिर के आया जाए। तो अब यहाँ फुआ के घर के पास में ही बूढ़ामा नाम से प्रसिद्ध है ये जगह, जो कि वहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर होगा। तो अपन आए हैं, मैं और मेरे दो भाई लोग हैं, ये लोग हम साथ में आए हैं तीनों इस पल्सर 125 में। तो चलिए चलते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं बूढ़ामा का कैसा नज़ारा है। अंदर जाया जाता है, दरवाजे से तो जान ही रहे होंगे, अंदर ही घुसते हैं, बाहर भी निकला जाता है। गाड़ी पार्किंग कर, तो यहाँ अपन गाड़ी पार्किंग कर दिए हैं। ये गाड़ी में बहुत सामान है, ये गाड़ी में अपन अपना चड्डी बनियान लाए हैं, क्योंकि अपन यहाँ नहाएंगे भी। तो अपन प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे हैं बूढ़ामा। टिकट लिया जा रहा है, तो मेरा भाई के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, तो टिकट का पैसा दे रहा है। तो अपन चलते हैं, वहाँ आएगा। चल रहे हैं बूढ़ामा की ओर, वो एक आ रहा है देवा भाई। तो ये है मेरा भाई, इसका नाम है कमराज। हाय कर बे साले। हेलो गाइस। तो गाइस, इसका भी यूट्यूब चैनल है छोटा सा, तो आप चाहें तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर सकते हैं, मत करिएगा पहले मेरे पे। तो ये अपना देवा भाई, हाय कर बे तू भी। हेलो, हाय, हेलो। टिकट कटा लिया। तो गाइस इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइस ये रहा टिकट। तो देवा ये बताओ, हवा चलेगा तुम्हारा बाल किधर उड़ेगा? तो गाइस टोपी में कैसा लग रहा हूँ कमेंट करेंगे गाइस। तो गाइस ये रहा यहाँ का ब्रिज, क्या बोलते हैं, हावड़ा ब्रिज। तो गाइस दे रहा है यहाँ का हावड़ा ब्रिज। तो अपन चलते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हैं। तेरे तो पानी यहाँ का बहुत अच्छा है गाइस, गाइस गाइस यहाँ मछली है गाइस, छोटा छोटा मछली है। उधर भी जाएंगे अपन कुछ देर में, उधर शिव जी का मूर्ति बना हुआ है, तो कुछ लेट में जाएंगे, इधर को पहले घूम लेते हैं। तो इधर कहाँ जाना है, कितना अंदर जाना है? यहीं तो हुआ तो कि इधर चले, कहाँ जाएगा? लो टोपी, यार मजा नहीं आता बेचारा, टोपी के बिना इसको फील नहीं आ रहा है। किधर चले? उधर तो जाएंगे, चलो तो उधर ही जाते हैं, फिर बाद में जाएंगे घूमने। तो गाइस अपन पहले जाएंगे उस साइड, उस साइड जाएंगे, उस साइड बाद में इधर आएंगे। इधर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही दूर रास्ता है, लंबा है, इधर का छोटा है, ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो ब्रो देख के चलना, ब्रो देख के चल रहा हूँ ब्रो, गिर मत जाना फालतू। तो गाइस हम यहाँ शॉर्टकट लेते हैं। ओ मैया पैर ही टूट गई। तो यहाँ बोला जाता है कि यहाँ भी हाथी भालू आते रहते, आते हैं का? मत बताना नहीं आते हैं, ठीक है? नहीं तो कोई नहीं आएंगे। नहीं, यहाँ पे एक शेर है। शेर है? अभी दिखाता हूँ गाइस यहाँ सामने। हाँ सामने शेर है, चलिए गाइस हम आपको शेर दिखाएंगे, आप लोग देखना पसंद करेंगे। तो गाइस क्या आप लोग शेर देखना पसंद करेंगे? गाइस आगे शेर है बहुत ही बड़ा। हाँ, तो गाइस अपन जा रहे हैं, इधर शेर है, हम आपको शेर दिखाएंगे गाइस। तो यहाँ शेर भी बना है, बहुत ही बड़ा शेर, नहीं इसको बाघ बोलते हैं बे। तो गाइस ये रहा बाघ, वाओ। कहाँ क्या है? ओहो इतना बड़ा सांप गाइस, क्या आपने सांप देखा इतना बड़ा? ये रहा सामने शिव जी का मूर्ति, तो वहीं क्लोज चलते हैं थोड़ा। शिव जी और नंदी, तो गाइस यहाँ पे काले पानी की सजा दी जाती है गाइस। आपको काले पानी से नहवाया जाता है। तो गाइस ये रहे शिव भगवान,
बोलो जय महाकाल, नंदी देव की जय हो। तो चलिए चलते हैं, नहा धोए नहीं, नहा धोवा के आएंगे तब यहाँ पूजा पाठ करेंगे। तो दिख ही रहा होगा आप सबको बहुत ही सुंदर नज़ारा, यहाँ क्या पानी बह रहा है गाइस, कितना सुंदर पानी बह रहा है, मैला पानी। अभी बारिश हुआ है तो उस वजह से यहाँ गंदा पानी है, नहीं तो बहुत साफ पानी बहता है। पिकनिक स्पॉट है यहाँ, मैं पहली बार आया था जब मैं शायद 9th क्लास पे था, स्कूल साइड से पिकनिक आए थे। उतना भी गंदा नहीं है पानी, नहाने लायक है, देखते हैं कहाँ माजा में। तो कुछ कुछ बताइए कमराज, आप यहीं के निवासी हैं। मैं क्या बताऊंगा इस आप लोग को, घुस गया, कब निकला था तो घुस गया, नहीं मतलब वो हो गया है, डूब गया है, पानी पर गया है, शिवलिंग निकला गया है। तो ये बोल रहा है मेरा भाई कमराज, बोल रहा है कि यहाँ पे शिवलिंग निकला था है तो पानी भर गया, उसे दिखाई नहीं दे रहा है आप सभी को। गाइस दिस इज द हेवन, तो गाइस दिस इज हेवन। बरसात के मौसम में पूरा पत्थर गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। अभी गर्मी आ गया है ना, तो अभी सूखा पड़ रहा था मेरे को लग रहा था ना, पानी बारिश हुआ अभी 2-3 दिन से ना अपने यहाँ, तो फिर उस वजह से थोड़ा पानी गर्म होता और ज़्यादा सूखा हुआ रहता है यहाँ पे। अबे तो गाइस इधर अपन बहुत ही अंदर आ चुके हैं, ज़्यादा अंदर नहीं थोड़ा ही अंदर है, मैं तो मजाक कर रहा था आप सभी लोगों से। तो यहाँ बहुत ही अच्छा जगह है, आप भी आ सकते हैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए। आज पता नहीं अपन 3 ही लोग आए हैं लग रहा है, नहीं तो शाम को या फिर पता नहीं छुट्टी उट्टी तो हो चुका है, आदमी लोग पता नहीं दिख नहीं रहे हैं, एकदम तन्नाट। अपन 3 ही हैं और वहाँ गेट के पास थे 2 लोग पर्ची काटने के लिए, ज़्यादा लोग तो दिख नहीं रहे हैं, वरना यहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ रहता है। गाइस अपन यहाँ बैठे हैं, थोड़ा देर नेचर का हवा खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। आज अपन पता नहीं यहाँ बहुत ही सन्नाटा है, अपन 3 ही लोग आए हुए हैं, नहीं तो छुट्टियाँ तो चल रही हैं, छुट्टियों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं है। आप भी आना चाहे तो आ सकते हैं अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ यहाँ घूमने के लिए। तो गाइस अब हम नहाने जा रहे हैं, अपन नहाएंगे यहाँ पे। वो पता नहीं क्या करो, गड्ढा ना आ रहा है कि वो गड्ढा ना आ रहा है कि कितना गड्ढा है यहाँ पे है, तो यहाँ बहुत गड्ढा है, पता नहीं अपन देखते हैं डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं। तो चलिए चलते हैं नहाने के लिए अब। तो गाइस हम लोग अभी चलते हैं नहाने, फुल पावर में पूरा चिल करेंगे बुढ़ामा की वादियों में। तो चलते हैं नहाने, ये देख सकते हैं इन लोग रेडी हो गए हैं नहाने के लिए, अभी इन लोग इस पे छलांग मारेंगे। देख सकते हैं इन लोग को पूरा अपना अंडरवियर का प्रचार कर रहे हैं, अंडरवियर का ऐड कर रहे हैं, अपना लेग पहन के चलो। गाइस ये डॉलर अंडरवियर फुल्ली इलास्टिक फुल्ली फैंटास्टिक, ये तो चलिए गाइस चलते हैं अब नहाते हैं। तो गाइस अब इधर का ये इधर का आपको आप सभी को अपना सिक्स पैक दिख रहा होगा, ये फैमिली पैक, इसका फैमिली पैक है गाइस, पैक है देखो हिल रहा है। तो चलिए अब छलांग मारते हैं। अरे तो इधर देखते हो गए, अब उधर से देख के आए लेकिन ये यहां के तरफ हिल से जाएंगे ये। तो गाइस अपन यहां नहाने के उधर मेरे पैर नहीं निकल रहा है, ये यहाँ पे कटा है, अबे यार रुक जा, यहाँ पे इसका पैर कट गया है, पता नहीं क्या चीज कुछ चीज से कट गया है। अरे मेरे पैर के नीचे है भाई, वो क्या है दिखा, नुकीला नुकीला चीज, रुक जा निकाल। अरे हड्डी, अबे अबे मेरे को गोरु चाप दिया। तो गाय गाय जी तो गाय चाप, गाय का हड्डी से इसका पैर कट गया, इसलिए नहाए तो संभल के नहाए करे।
कुछ भी हो सकता है नीचे, पत्थर उत्थर से भी कट जाती है, तो इसको अपन साइड में कर देते हैं ताकि किसी और को ना लगे। कोई ना, होते रहता है छोटा मोटा घटना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमर 2.0M। तो इसका गाइस इसका यूट्यूब का चैनल है कन्वर्ट 2.0M। गाइस अपन करते हैं अंडर वाटर शूट, देखते हैं अंडर वाटर कुछ सीन आता है कि नहीं आता। तो चलिए अंडर वाटर। आ तो तू दिखता है कि नहीं दिखता है पानी के अंदर? मैं हाँ, चल डूब ना, चल अब कर, अब डूब, अब डूब। तो गाइस मैं आया तो घूमने, तो देखा तो जल पड़ा, यहाँ तो मरे पड़े हैं। एक फट पड़ा रहा है। ये देखिए, धीरे धीरे वो भी अपने देखो पिलुआ बिलुआ व्हाइट घोस्ट। साबुन ही हमारा हेयर कंडीशनर है, फेस वॉश है, बाकी बॉडी लोशन है। बस लोग तरह तरह के होते हैं सामग्री लगाने के, लेकिन अपने लिए साबुन ही सब कुछ है। साबुन की जय हो। जय हो। तो गाइस अब हमारा घूमना फिरना ख़त्म हो चुका है, तो अपन चलते हैं घर की ओर। तो मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो अपन जा रहे हैं अब, वरना थोड़ा देर और रुकते फिर मौज मस्ती करते तो आपको दिखाते, लेकिन मौसम ख़राब हो चुका है, तो अपन जा रहे हैं घर की ओर।